Hello, dear students. How are you all? Hope you all have seen part 2 video of chapter number 2, that is parts of computer. And you must have done the reading till page number 21 in your book. Now, in this part, I am going to discuss page number 22 from your computer book. There are some topics le left on the parts of computer. So, open page number 22 in your book. So, previously we have seen the main parts of a computer like uh, monitor, CPU, mouse, keyboard, and some other parts like printer, uh, speaker, hard disk. So, these uh, previously we have seen some very crucial parts of a computer without which we cannot imagine doing our work. Now, in this part, I will show you some other parts of a computer which are also important, but we can work on a computer without these devices also. But for doing some extra work or uh, doing some official work, we need these kinds of devices. So, the first is CD DVD drive. Let us read it out. Our work can be stored on a CD, compact disc, or DVD. डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क, अ सीडी डीवीडी ड्राइव हेल्प टू रीड डेटा फ्राम द डीवीडी ड्राइव राइटर हेल्प्स टू राइट डेटा ऑन अ सीडी डीवीडी सो व्हाट इज दिस अगर आपके घर में सीपीयू होगा तो आपने देखा होगा उसमें एक ट्रे टाइप का एक डिवाइस होता है जो बटन दबाने पर सी से एक ट्रे टाइप का बाहर आ जाता है जिसमें हम सी लगा देते हैं और उसके बाद हम उसको अंदर डाल के सी में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देख सकते हैं कुछ टाइम पहले मतलब आज से सेवन तो टू टेन इयर्स पहले ये सी ज़्यादा यूज़ होती थी आजकल पेन ड्राइव ज़्यादा यूज़ होती है बट स्टिल वी हैव दिस ड्राइव ऑन अवर कंप्यूटर अगर हम एंटीवायरस परचेज करते हैं कभी भी किसी कंप्यूटर सिस्टम के लिए तो मोस्टली वो सी के फॉर्म में ही हमको मिलता है दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ सी डी एज यू कैन सी इट इज सर्किल इन शेप सी डी और डी वी डी एक ही जैसे दिखता है बस डी वी डी में ये खासियत होती है कि वो सी डी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है तो इस डिवाइस इस दिस इज़ अ स्टोरेज डिवाइस सी डी एक स्टोरेज डिवाइस है क्योंकि हम इसमें डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे पेनड्राइव में स्टोर करते हैं उसमें स्टोर करके रख सकते हैं तो इसको लगाने के लिए जो एक्स्ट्रा एक यूनिट दी जाती है सी पी यू के अंदर दैट इज़ नोन हैज सी डी डीवीडी ड्राइव बाहर से तो हमको सिर्फ ट्रे जैसा दिखता है बट अंदर वो पूरा एक ड्राइव के फॉर्म में होता है एक बड़ा बड़ा सा डिवाइस रहता है जो सी पी यू में फट रहता है एंड इट इट हेल्प अस टू रीड द डेटा इन द सी डी आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वॉट इज सी डी डीवीडी ड्राइव नेक्स्ट इज पेन ड्राइव ऑल्सो कॉल्ड USB flash drive. It is a very small device that can be connected to the computer to store and read data. Pen drive, आप सबको पता है इसको हम USB flash drive भी बोलते हैं ये एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है जैसे जितना बड़ा आपका इरेजर होता है ना उससे थोड़ा सा बड़ा या फिर उस साइज का भी हो सकता है ये क्या करता है इट हेल्प अस टू स्टोर एंड रीड डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन मूवीज़ हो डॉक्यूमेंट्स हो पिक्चर्स हो एनी थिंग गेम्स हो हम इस ड्राइव में भी स्टोर करके रख सकते हैं और यह ड्राइव किस लिए हेल्प करता है सपोज़ अगर मुझे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है या ट्रांसफ़र करना है तो इस पेन ड्राइव के थ्रू हम कर सकते हैं एक एक पहले सिस्टम में मैंने ड्राइव लगाया उसमें वो इंफॉर्मेशन सेव कर लिया और दूसरे कंप्यूटर में जाके हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं सो आई होप आप लोगों को पेन ड्राइव भी क्लियर होगा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्कैनर सो वॉट इज़ अ स्कैनर लेट्स रीड इट अ स्कैनर हेल्प अस टू टेक इमेज इनपुट इट इज़ लाइक अ फोटो कॉपी मशीन वी कैन स्टोर एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बाई storing its image as a file in the computer. so scanner बताने से पहले मैं आप लोग को printer का function याद दिलाना चाहूँगी printer कैसे work करता था बेटा printer क्या करता था computer के अंदर जो हमको image दिख रही है उसको paper में print करने का work करता था right? scanner उसी का उल्टा work करता है हमारे पास कोई book है कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जैसे मम्मी पापा ऑफिस में वर्क करते हैं तो बहुत से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो कंप्यूटर में नहीं है लेकिन वो हैंड रिटन मम्मी पापा के पास सेव है उसको हम स्कैनर की हेल्प से स्कैन करके उसकी इमेज कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं ये फ़ोटो कापी मशीन की जैसे होता है आपने फ़ोटो कापी मशीन देखी होगी उसमें कोई भी पेपर हम रखते हैं वो स्कैन करके उसके और कॉपीज निकाल देता है सेम वैसे ही स्कैनर वर्क करता है वो इमेज को स्कैन तो करता है लेकिन उसकी प्रिंट्स निकालने की जगह उस इमेज को कंप्यूटर में सेव कर देता है स्कैनिंग आजकल आप लोग अपने फ़ोन से भी करते हो जो आप लोग पीडीएफ बना के भेजते हैं कॉपीज़ का अपनी कॉपीज़ की फ़ोटो क्लिक करते हैं कुछ इत, इसी तरह स्कैनर वर्क करता है बट उसकी क्वालिटी अच्छी होती है जैसे हम लोग मोबाइल कैमरा से अगर फ़ोटो क्लिक करते हैं तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती कभी कभी टीचर्स आपको बोलती हैं कि बेटा दोबारा वर्क कर दोबारा फ़ोटो क्लिक करके भेजिए जो आपने लिखा है वो क्लियर नहीं दिख रहा बट स्कैनर में ये सारी प्रॉब्लम नहीं आती उसमें हाई क्वालिटी इमेज ही क्लिक्स होते हैं ओके

आप लोगों ने YouTube में कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है वो साथ ही में स्क्रीन में लिखता भी रहता है देखा है ना आपने कि टीचर कुछ पढ़ा रहा है और साथ में एक वाइट स्क्रीन रहती है जिसमें वो लिखता भी रहता है सो so, ये हम किस डिवाइस से कर सकते हैं इसके लिए हमको एक पेन टैबलेट या फिर ग्राफिक टैबलेट की ज़रूरत होती है ग्राफिक टैबलेट को हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं और जैसे हम कॉपी में कोई इन्फॉर्मेशन लिखते हैं मिटारते हैं कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं उसी तरह हम ग्राफिक टैबलेट में भी लिख सकते हैं और उसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो हमको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखेगा और ग्राफिक टैबलेट में लिखने के लिए जो पेन यूज़ होता है वो नॉर्मल पेन नहीं होता दैट इज़ अ स्पेशल पेन विच इज़ कॉल्ड एज स्टाइलस उस पेन को हम स्टाइलस के नाम से जानते हैं पेन टैबलेट मोस्टली डिजिटल सिग्नेचर्स करने के लिए यूज़ होता है जैसे टीचर अगर कुछ पढ़ा रहा है तो वो पढ़ाने में इसको यूज़ कर सकता है ड्राॅइंगस बनाने में कंप्यूटर में आजकल बहुत लोग एनिमेशंस में आ गया एनिमेशन में जो आप लोग तो कार्टून्स देखते हैं उस तरीके की कुछ ड्राइंग्स अगर आपको हाथ से बनाना है आप चाहते हैं वो कंप्यूटर में इमेज आ जाए तो वो डायरेक्टली आप ग्राफिक टैबलेट से कर सकते हैं सो व्हाट इज़ अ माइक्रोफोन इट हेल्प्स इन टेकिंग ऑडियो इनपुट वी कैन स्टोर आर वॉइस थ्रू अ माइक्रोफोन इन द कंप्यूटर सम मॉडर्न कंप्यूटर्स ऑल्सो वर्क ऑन वॉइस कमांड्स माइक्रोफोन क्या होता है इट इज़ लाइक अ स्मॉल माइक ये एक माइक की तरह वर्क करता है अच्छा स्पीकर क्या वर्क करता था स्टूडेंट स्पीकर क्या करता था कंप्यूटर के अंदर जो आवाज़ है वो हमको बाहर सुनाने में हेल्प करता है और माइक्रोफोन इसी का जस्ट ऑपोज़िट हमारी आवाज़ को या बाहर की कोई भी आवाज़ हो उसको कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है आप लोग आप लोगों ने एक माइक्रोफोन देखा होगा सबके घर में एक माइक्रोफोन है आप लोग जो ईयरफोन यूज़ करते हैं उसमें एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है उसमें भी एक माइक्रोफोन फिट रहता है जिसकी हेल्प से आपकी आवाज़ ऑनलाइन क्लासेस में मैम तक पहुंचती है इसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन्स में लैपटॉप में पहले से ही माइक्रोफोन्स लगे होते हैं इसलिए कभी कभी जब किसी बच्चे की आवाज़ क्लियर नहीं आती तो मैं कहती हूँ ना कि प्लीज़ वेयर अ ईरफोन वो उसका पर्पज़ क्या है होता है कि उसमें माइक्रोफोन लगा रहता है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ क्लियर आती है अब मोबाइल तो आप थोड़ा दूर रखते हैं तो दूर तक आवाज़ प्रॉपर नहीं जाती लेकिन जब आप माइक्रोफोन लगाते हैं वो थोड़ा पास में रहता है आपके माउथ के तो आपकी आवाज़ क्लियर आती है यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन की इमेज भी लगी हुई है सो so, इस तरह के माइक्रोफोन अगर हम यूज़ करें अपने कंप्यूटर डिवाइसेस में तो हमारी वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी जैसे हम लोग ईयरफोन से या फिर डायरेक्टली अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी जितना ये एडवांस माइक्रोफोन्स करते हैं कुछ कॉलर माइक्स भी होते हैं जो टीचर्स मोस्टली कोई अगर लेक्चर रिकॉर्ड करना है तो उसको कॉलर पे लगा के अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं और आजकल कुछ ऐसे कंप्यूटर्स आ गए हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स स्मार्ट कंप्यूटर जैसे आपके मोबाइल में आप वॉइस सर्च करते हैं ना इसी तरह कुछ कंप्यूटर्स आजकल वॉइस कमांड्स पे भी काम करते हैं तो उसमें भी माइक्रोफोन अटैच रहता है जिससे वो हमारी आवाज़ को पहचान सके ओके आई होप ऑल दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू ऑल देर इज़ अ वन मोर इंफॉर्मेशन गिवेन इन द राइट इन द ग्रीन कलर बॉक्स नाउ यू ऑल नो अबाउट माई बॉडी पार्ट्स नाउ यू नो अबाउट माई बॉडी पार्ट्स वेरी सुन आई विल बी बैक एंड वी विल टॉक मोर सो आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया अब आप लोगों को कंप्यूटर के मेन और अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में पता है राइट right? सो so, आज का आप लोगों का टास्क क्या है आप लोग को पेज नंबर ट्वेंटी टू बहुत ही अच्छे से रीड करना है और कोई भी टॉपिक कोई भी लाइन कोई भी वर्ड की मीनिंग अगर समझ में नहीं आई तो मुझे आप वॉयस मैसेज करके या टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं ओके टेक केयर एवरीबॉडी। बाय बाय